हेलो स्टूडेंट आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानको स्वागत जनाउची। बहुत दिन परे आउ एक वीडियो को मु आपण मानको स्वागत जनाउची। आज आम डिस्कशन करिबा FA4 एग्जाम रो जो आसीबो दशम क्लास रो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट रो तो तृतीय भाषा अछि हमरो स्कूल रो तृतीय भाषा ऑटोमेटिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसर आम सब डिस्कशन करिबा। सब बसर पर हमरो बजी एथर मध्ये 30 मार्क परीक्षा हबो फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 एथिरे कौन अच्छी देख शून्य स्थान पूरण कर अच्छी पीरियडिक टेस्ट रे हमर शून्य स्थान पूरण अच्छी 10 मार्क रो क्वेश्चन आसी। सर्वप्रथम देख कौन आसी शून्य स्थान पूरण कर रे एन आसला टायर रो पार्श्व को डे साइज रे सफा करबा उचित। देख टायर रो पार्श्व को आमे साधारणत कौन करबा ना प्लास्टिक ब्रश मन जो अच्छी प्लास्टिक ब्रश साइज रे आमे कौन करबा सफा करबा उचित। एक रो ए होची आंसर तार होची प्लास्टिक ब्रश। सेपर आम दुई नंबर क्वेश्चन बी नंबर को जीवा सर्विसिंग सेंटर गुड़िक डेस वाशिंग यूनिट व्यवहार करा जाए थाए। आमर जो सर्विसिंग सेंटर अच्छी से कौन जो गाड़ी की जो उधुआ जा वाशिंग करा जा सफा करा जाऊँ क्यों प्रकार जो वाशिंग यूनिट व्यवहार करा सी हूँ ऑटोमेटिक। देख आम बाल्टी साइज जब सफा करवा बाल्टी पा आ सफा कर कौन आम हाथ द्वारा कला मैनुअल मैनुअली आम सफा कर हाथ साइज सफा कर ऑटोमेटिक मशीन गुड़िक कौन हो ऑटोमेटिक आम देख ये हूँ ऑटोमेटिक वाशिंग यूनिट मशीनटा जहाँ साइज में कौन करा ऑटोमेटिक आम गाड़ीटा को सफा जाए करें से सी नंबर आम बी आंसर कौन हम ना ऑटोमेटिक वाशिंग यूनिट। से सी नंबर कौन हम डैश माध्यम ऑयल स्तर को परीक्षण करवा आमर जो इंजिन ऑयल जो भितर अच्छी आम इंजिन ऑयल को केते अच्छी स्तरटा माने केते गबरेजिंग अच्छी केतकी ऑयल अच्छी केतकी कमिला आम केमी से परीक्षा करवा स्तरटा तार मापिया केमी ना आमर गोटे डिपस्टिक अच्छी डिपस्टिक साहय कौन करना आम इंजिन रो स्तरटा को इंजिन रो जो ऑयल पका जा ऑयल रो स्तरटा को आम कौन करना परीक्षण कर आंसर हम आर कौन डिपस्टिक। से डी पचारा कौन गाड़ी में ऑयल परिवर्तन समय डे साहय गाड़ी को उठाइबा आमर जो गाड़ी को उठेबा मनकर गाड़ी पंक्चर होला कि कौन असुविधा होला ताले गाड़ी रो मरामत दरकार से परी गाड़ी जो ऑयल परिवर्तन समय रे आमे को साहय गाड़ी टिके उठाया पड़ो गाड़ी ऑयल परिवर्तन करबा समय कौन हो ड्रेन प्लगटा तलपट रोच ड्रेन प्लगटा खोलिया पड़ी से ड्रेन प्लगटा खोलिया गाड़ी टिके उठाया उपरको पड़ो जहाँफल गोटे इंजीनियर बा टेक्नीशियन कौन भितर को जीव गाड़ी तलपट रही से खोली पार से गाड़ीटा टिके कार्टा को टिके उपरको उठाया पड़ो सेटा कौ साइज उठाऊ उपरक ना कार जैक बा जैक स्टैंड कह हाइड्रोलिक जैक व्यवहार कर आंसर हम कौन जैक स्टैंड बा कार जैक कि हाइड्रोलिक जैक लिखले हम आर आंसर हूँ कार जैक। से भाव इ रे देख आम पचार कौन बनेट को डे साइज खोल जाए आमर जो बनेट रोच जो आगपट रोच बनेटा बनेटा आम कौ साइज खोल जाए ना रड साइज खोल जाऊँ आर आंसर हम रड साइज खोल जाऊपर एप्रे पचारा कौन डेस रोपर एयर फिल्टर रही था आमर जो एयर फिल्टरटा अच्छी क्या रोचे ना इंजिन रोपर इंजिन रोपर आम रोज एयर फिल्टर रही था सेपर जी नंबर पचारा कुलांड एक डेस पदार्थ कुलांडा कौन अति सहज क्वेश्चन कुलांड हूँ गोटे तरल पदार्थ ओके कुलांड कौन व्यवहार करा कुलांड को कौन शीतलीकरण व्यवस्था आमर व्यवहार हो कूलिंग सिस्टम रे आमर व्यवहार कर जापरी एच रे पचारा ऑटोमोबाइल बिक्री कर्मचारी डेस बेसर रहा जरूरी आमर जो ऑटोमोबाइल बिक्री कर जो आम कार गाड़ी मान कि गल कि बाइक कि गल जेकोसी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो जान बाहन जो कि जाऊँच शोरूम गले देखु जो कर्मचारी मैंने थे सेमती पूरा प्रोफेशनल टिप टाप पूरा पोशाक भल भाव पिंधिक रही था कौन कौन पेशादार पेशादार बा प्रोफेशनल पोशाक भाव में पिंधिके रही थे बेसर ते रहा जरूरी आर हम कौन पेशादार बा प्रोफेशनल बेसर ते रहा जरूरी। से आई रहा कौन जदि कौन जिनस विषय सन्देह हुए तेज डेस बोली कह उचित जदि तुम मन से शोरूम तुम कम करुले जो गोटे ग्राहक आसला कस्टमर आसला तार जब तुम कौन कौन से पचार गाड़ी विषय में पचारा जदि तुम जाण न थाओ जदि सन्देह आसूसी तुम्हें कौन कह उचित ना मुझे बुझिकी कहबी कि मोर सहकर्मी जनइबी
इमित कह पड़ो मुझी इमित कह भल लगे ना कहीं कस्टमर कौन पचार यहाँ के माइलेज अच्छी एटा कौ बी एस फोर ना बी एस सिक्स ना कौन आर केस एस अच्छी सी सी के पचार जब तुम से विषय जान ना तुम कहीद कौन मुझी मुझी कहले हम कि तुम गोटे कम कर गोटे शोरूम तुम जब जानी कहते अड़ फिल हम से ग्राहक को अड़ अड़ लगे कौन जाणी ना किमी बिकुंत ये गुड़े जिनस जाणी ना कहले भल लगे ना तेणु आम कौन कह उचित ना मु बुझी कहबी कि मो सह कर्मचारी आपण को कहीदेवे एमती कहले हम से जेर पचारा कौन सर्वप्रथमें ड्रेस्रे एबीएस पद्धति प्रयोग करमर एबीएस पद्धति जो अच्छी सर्वप्रथमें कौन व्यवहार करा मर्सिडीज बेन्च मर्सिडीज जो कारगुड़ मर्सिडीज बेन्च कारगुड़ आम प्रथम एबीएस पद्धति व्यवहार करा एबीएस फुल फॉर्म कौन ना एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम कौन ना यही साहय कौन हो ना आम देखु आजिकल जो छुआ मैंने जो अच्छा अल्प बयस कौन करना गाड़ी चल था प्राप्त बयस हो नयस सीमा आम अठर वर्ष दरकार गाड़ी जान जहाँ गलत डीएल कराया अठर वर्ष सर्वनिम्न बयस हो अठर वर्ष कितु आज गति गोटे बयस पिला कम बयस चलाउं गाड़ी दुर्घटना सम्मुखीन हमें अल्प बयस मैंने गरम ब्लड पूरा गरम थी स्पीड्रे गाड़ी चला अत्यधिक स्पीड होगा कौन होमर दुर्घटनार सम्मुखीन होता आमर अल्प बयस वयस्क पाला गाड़ी चलेगा उचित नुह मन रख पाने पाठ पढ़ु समस्त स्कूल पाठ पढ़ु जो पर्यंत आपण प्राप्त बयस होनी अठर वर्ष होना अठर वर्ष होगापर ही आपण मैंने गाड़ी चलेगा उचित आपण मैंने जो गाड़ी चलाउं दयाक गाड़ी चलातु ना कहीं आजिकल जो आम अच्छी रोड सेफ्टी रूल अनुसार आपण मानक जरिमाना पड़ार संभावना अच्छी छः हजार रु आरंभ कर कोड़े हजार पचीस हजार पर्यटन जरिमाना पड़ार संभावना अच्छी हेले एबे सिस्टम कथा कहती कौन ना जहाँ साहर कौन हो पारे ना जो अत्यधिक स्पीड लोक मैंने गाड़ी चलांती जी भी तो कहीं ना गाड़ी चलांती से एबे सिस्टम थिले कौन हम ना से कौन हम अत्यधिक स्पीड जो हो कौन कर मेकानिजम साहय मेकानिजम साहय कौन धीरे धीरे सी मझे मझे ब्रेक दे थाए आपण मैंने जापर आपण मैंने एक्सिलेटर मोड़ी गियर पूरा फोर जाए कि सी कौन हो मझे मझे ब्रेक दे थाए जहाँफल कौन हम गाड़ी आमर स्लो चली थाए अत्यधिक स्पीड में जापर जापर ना कहीं मेकानिजर काम हो जो अधिक स्पीड हो कार गाड़ी गुड़िक बस गाड़ी जो जेको गाड़ी गुड़िक जान गुड़िक अत्यधिक स्पीड को कमेबा दुर्घटना बचाई आम एबीएस सिस्टमटा कौन व्यवहार कर सी मझे मझे धक्का दे ब्रेक कर ये आमर एबीएस सिस्टम ओके आम जी परवर्ती क्वेश्चन को देख परवर्ती क्वेश्चन दुई नंबर कौन है मल्टीपल असेसमेंट कौन अच्छी दस मार्क आगे आम अच्छी से भाई भाव गत वर्ष जमी थी प्रत्येक वर्ष से आसो आमर एफ ए वन टू थ्री फोर सेम यही टाइप रही आम आसूस यही पैटर्न क्वेश्चन आसपर दुई नंबर कौन पता समस्त प्रश्न उत्तर देव कहार निर्देश अनुसार गोटे कहार निर्देश अनुसार गाड़ी पे प्रथम ऑयल बाछवा आम जो गाड़ी जो ऑयल बाछुं आम बाइक अलग रोचे कार अलग रोच ट्रक विभिन्न प्रकार जानवाई विभिन्न प्रकार ऑयल रही थाउँ आम जो ऑयलटा बाछवा क्या अनुसरण कर बाछवा क्या निर्देश अनुसार आम गाड़ी ऑयलटा को बाछवा तार हूँ कौन गाड़ी निर्माता निर्देश अनुसार गाड़ी जो कि समय आमर जो दे कौन आमर दे कौन गोटे बुक दे था ओके से बही जो अनुसार गाड़ी निर्माता जो बही दे थो से बही बुक अनुसार आम कौन करवा ना ऑयल को बाछवा जहाँफल आमर कौन हम जो जानटी चलाउा से जानटी सठिक उपयोगी ऑयल आम बाछी पार ए नंबर थी कौन गाड़ी निर्माता निर्देश अनुसार आम कौन करवा ऑयल को बाछवा से ही परिवार बी नंबर कौन दे एयर फिल्टर परिवर्तन पर विभिन्न उपकरण मध्य गोटे लेख पूरा सहज क्वेश्चन पचार मैंने एयर फिल्टर परिवर्तन जो आम एयर फिल्टर परिवर्तन करिया खोले कौन दरकार प्रथम तो स्क्रू ड्राइवर दरकार से गोटे कही गोटे उपकरण लिखा कही आमर हूँ कौन फ्लाट स्क्रू अच्छी स्टार स्क्रू अच्छी ना स्क्रू ड्राइवर दरकार मेन आउ कौन दरकार करें एक नंबर लिखिपर गोटे कही गोटे भी लिखले भी हम मुझा कहीदे स्क्रू ड्राइवर दरकार स्क्रू ड्राइवर आम कौन खोली पार्बा हेल्ले एयर फिल्टर को चेंज पर सी
ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟରଟି ଦରକାର ହେବ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଉପକରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ସି ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ, ରେଡିଏଟର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ। ଦେଖ ଆମର ରେଡିଏଟର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କୁଲାଣ୍ଡ କହିଥାଉ, କ'ଣ କୁଲାଣ୍ଡ ବା କ'ଣ ରେଡିଏଟର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କୁଲାଣ୍ଡଟା ନା ଶୀତଳୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ କୁଲାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ରେଡିଏଟର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ କହିପାରିବା ବା ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରିଜ୍ କହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଓକେ, କୁଲାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରିଜ୍ ବା ରେଡିଏଟର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହାର ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା କୁଲାଣ୍ଡ। ସେହିପରି ଡି ନମ୍ବର ଦେଲା ଏବିଏସ୍ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ, ଏବେ କହିଥିଲି ଏବିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ନା ଆଣ୍ଟିଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇପାରୁଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମ ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ କାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଆଣ୍ଟିଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ କେଉଁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ନା ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ କାର୍ ଗାଡ଼ିରେ, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ବେଞ୍ଚ କାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ରେକ୍ ଦେବ, ଆର କାମ ହେଲା କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଲକ୍ କରିଥାଏ, ଗାଡ଼ି ଖସି ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିର ଚାଳନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇନଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଇବା ଫଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବିଏସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନାରୁ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମଟା କାମ କରିଥାଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଯିବା ଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କଲା, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କାହାର ଜନନୀ, ଅତି ସହଜ। ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଡ଼ିବନି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କିଛି ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି କରିବାନି, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ତିଆରି କରିବା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ। ଓକେ, ଏଇଟା ପୁରା ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ। ସେହିପରି ଏଫ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଫ୍ରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଏଜିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବ, ମନର କାର୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ତୁମେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଛ, ଏମିତି ରାତି ହେଇଗଲା, ରାତି ହେଲେ ଦେଖୁଥିବ ଅନ୍ଧକାର, ଲାଇଟ୍ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉନି, ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି, ଆଗପଟେ କିଏ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଏଜିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିଟା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ମନା ଗୋଟେ ଦୂର ଯେ କେତେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଦେଇ ସେ କ'ଣ ଦିଅ ନା, କୌଣସି ଲୋକ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଥିବ କ'ଣ କାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆମର ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଥିବ, ସେ ଡିସପ୍ଲେରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଲୋକଟାର ଛବି ଦେଖେଇବ। ଓକେ, କ'ଣ ହେବ ରୋଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବା ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ରୋଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ସାଧାରଣତଃ ଏବେକାଲି ଆସିଗଲାଣି। ଓକେ, କ'ଣ ପାଇଁ, ରାତିରେ ରୋଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ବା ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଜିରେ କହିଲା କ'ଣ, କିପ୍ ହବ୍ସ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କିପ୍ ହବ୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଆଜିକାଲି ଚାବି ଆଉ ଯେଉଁ କି ଗାଡ଼ିର କାର୍ ଚାବି ଯେଉଁ ଅଛି, କିପ୍ ହବ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗାର ଆଗକାଳରେ ଥିଲା କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଥିଲା, ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅନ୍ କରୁଥିଲେ, ଚାଲୁ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ କରୁଥିଲେ, ଅଫ୍ କରୁଥିଲେ, ଡୋର୍କୁ ଅନ୍ କରୁଥିଲେ, ଅଫ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପଳେଇଲାଣି କିପ୍ ହବ୍। କିପ୍ ହବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ଓକେ, ସୁଇଚ୍ ଥିବ, ଦେଖିଥିବ ଇଏ ହେଉଛି କିପ୍ ହବ୍, ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଅନ୍ କରିହେବ, ଅଫ୍ କରିହେବ, ଆମେ ଡୋର୍କୁ ଟୋଁ ଟୋଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ ଦେଖିଥିବ, ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବ, ଅଫ୍ କରିବ। ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣତଃ କାର୍ ଗାଡ଼ିକରେ କିପ୍ ହବ୍ ଆସିଲାଣି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କିପ୍ ହବ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ନା ନିର୍ଲଡ଼ସ୍ ଫୋଜ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆମର କିପ୍ ହବ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏଚକୁ ଯିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଣ୍ଡା କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର ଡିଭିଡ଼ି, ଯେଉଁ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ କାର୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆମର ଡିଭିଡ଼ି, ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗେ ସେ ଡିଭିଡ଼ିଟାକୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆମର ରିଷମ ପନ୍ଥ ଖେଳାଳିଟା ଜାଣିତ, କ୍ରିକେଟର ରିଷମ ପନ୍ଥ, ରିଷମ ପନ୍ଥର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ସମୟରେ ତା'ର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
से एयर बैग थिबा जोगु से कोन गला ना ऋषभ पंत्र जीवनटा बंची गला कोन पई ना एयर बैग साहाज्य रे हमर कोन होची छात्री मानकर सुरक्षा पई व्यवहार करा जाउची एयर बैग रो कार्य कोन ना आम स्टीयरिंग आगे आम बस साइड रे सीट रे मध्य एयर बैग लगी थाए जहाँफल कौन दुर्घटना समय रे सी आम कि से एयर बैगटा फुली जाए जहाँफल आम दुर्घटना बंची पार एयर बैग विषय जो जानवा अच्छी मुझे बहुत गुडिये भिड छाड़ी आपण मैंने जा देखिपर से जेर पचारा एम पी एफ आई पद्धति कौन पाई गाड़ी व्यवहार कराए एम पी एफ आई पद्धति पूरा सहज देख आम साधारण बैक एम पी एफ आई रो फुल फॉर्म दब प्रथम कहीदे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन मल्टी पॉइंट माने मल्टी पॉइंट कौन अनेक अनेक पॉइंट थी फ्यूल इंजेक्शन आमर मनकर बाइक रो गोटे रहा गोटे इंजिन रहा माने इंजिन तो गोटे रहे कि वन सिलिंडर इंजिन रहा गोटे सिलिंडर जदि रहा गोटे पटे आस पेट्रोल जदि टू सिलिंडर फोर सिलिंडर सिक्स सिलिंडर एट सिलिंडर इलेवेन सिलिंडर एमती जदि रिलिंडर जदि संख्या बढ़ला तेल आमर तेल जोगाण संख्या बढ़िया पड़ो से आम कौन हो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पॉइंट व्यवहार कराफल कौन हम इंधन गोटे पटे जाए से जो एगारटा जो सिलिंडर थी एगारटी जाक सामान भाव में जगेब सी हूँ कौन एम पी एफ आई चित्र हूँ यहीटा ओके मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन ओके ये आम मल्टीपल एसेसमेंट से एक्सप्रेशनल कंपोनेंट देख आम दस मार्क लंग क्वेश्चन पचारि कौन पचार चेंजिंग ऑफ ऑयल एंड ऑयल फिल्टर पद्धति स्टेप बाय स्टेप व्याख्या कर आमर ऑयल आउ ऑयल फिल्टर ऑयल ऑयल फिल्टर देख कौन कर ऑयल ऑयल फिल्टर चेंज कराऊ किमी से विषय तुमको आलोचना कराया पड़ो यहाँ साधारणतः शहे रु शहे पचास शब्द भितर आम लिखा पड़ब ओके देख सहज पूरा आमर कौ नंबर पेज अच्छी बयालीस नंबर पेज अच्छी तार आंसर बयालीस नंबर पेज तार आंसर अच्छी ऑयल आउ ऑयल फिल्टर केमी चेंज कराऊँगी स्टेप बाय स्टेप आम लिखा पड़ो इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर सेफ्टी ग्लोवस दरकार रबर ग्लोवस दरकार प्लास्टिक डब्बा दरकार गोटे फनेल गोटे दरकार कार जैक जैक स्टैंड जो कही हाइड्रोलिक जैक दरकार गाड़ी को उठाया हेल्ले ड्रेन प्लग बे सकट रेंचेस दरकार से रेंच खोलने तो आम ड्रेन प्लगटा पचपट तलपटे जो थी तेल खोलने थे मईला बा खराब जो ऑयलटा थी बाहर को आसपार तापर कौन हो पार ना ऑयल फिल्टर रेंज दरकार उपरपटे ऑयल फिल्टर रेंज खोलिया गले आम रेंज दरकार अच्छे एमती भाव आपने गोटे मन रख ऑयल आम के थर को थे चेंज करवा गोटे पॉइंटा पचारि पारे परीक्षा पंदर हजार किम को थे आम कौन करवा ऑयलटा को आम चेंज करके सेपरी किंबारे पचारा श्रेष्ठ दस कोटी अभिनवीकरण विषय बुझाई लेख देख अभिनवीकरण कौन कौन आमर दसटा तो अभिनव कौन कौन अच्छी एबीएस सिस्टम अच्छी एयर बैग अच्छी किप हब अच्छी आउ कौन अच्छी डीबीडी प्लेयर अच्छी पूरा सब आम विभिन्न प्रकार अच्छी से नाइट विजन एक्जिस्ट अच्छी हाइब्रिड टाइप ट्रेन अच्छी आमर अड़ा अच्छी आमर बावन नंबर पेज अच्छी फिफ्टी टू नंबर पेज तार आंसर गुड़िक अच्छी अभिनवीकरण गुड़िकर आंसर गुड़िक आपण मैंने लिखिपर देख ये हूँ तार जो कहते चेंजिंग ऑफ ऑयल एवं ऑयल फिल्टर ओके तार जो आम अच्छी निर्देश अनुसार जो आम पर करमी पर तार सब गुड़े आपण मान बहरे दे सारी ओके ये गुड़िक आपण मैंने सब लिखिपर ये आम लॉन्ग क्वेश्चन किंबार आम पचार दस कोटी नूतन अभिनवीकरण विषय कही ये हूँ आम ऑयल चेंजिंग आउ ऑयल फिल्टर चेंजिंग ऑयल आम कि चेंज करवा ऑयल फिल्टर कि चेंज करवा तार हूँ आंसर हो ये आम बहरे अच्छी ये आम दस मार्क क्वेश्चन आपण मैंने लिखिपर ओके आम देख प्रथम यहाँ मन रख पंदर हजार किलोमीटर परे आमे ऑयल परिवर्तन करि परबा ए पॉइंट आउट के मन रख परीक्षा रे पचारि पारे ओके सेबरी आमे जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन किंबारे पचारथिला ना दस कोटी अभिनवीकरण विषय लेखिबा देखो आमर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट पाठर अछि दस कोटी अभिनवीकरण कोन कोन ना एबीएस सिस्टम गोटे आ गोटे कोन अछि एयर बैग अछि ओके एबीएस सिस्टम हो पार एयर बैग जो एडवांस टेक्नोलॉजी एयर बैग व्यवहार कौन पे एबीएस सिस्टम कही जो आम द्रुतगति चलाउं अल्प अल्प समय व्यवधान से ब्रेक दबो
एबीएस गाड़ी में कौन हो अल्प अल्प समय धरने व्यवधान से ब्रेक देकर आम दुर्घटना को गाड़ी को नियंत्रण तो करें जहाँफल दुर्घटना रक्षा पाईपर से हीपर एयर बैग साहय कौन हो देख चित्र देखिए एयर बैग रे हूँ आम एयर बैग रित्र ओके ये हूँ आम एयर बैग चित्र एयर बैग साहय कौन हो दुर्घटना आम कौन पार दुर्घटना रक्षा करा जी मान दुर्घटना रक्षा करने आम एयर बैग व्यवहार कर सहीपरी किप हब तीन नंबर दे दसटी अभिनव गुण अच्छी दस टी जगह आपने वर्णना करा पड़ो सहीपरी किप हब कौन ये हूँ आम किप हब चित्र जो मुझे कहती किप हब कौन ना आम गाड़ी को अन् कि अफ करने आम बर्तमान आउ की बिना की रे गाड़ी को अन् अफ करने आम कौन कौन किप हब व्यवहार करपरी अच्छी कौन फोल्ड फ्लाट रियर सीट मान रियर सीट मैंने कौन पछपट रियर सीट मैंने कौन पछपट सीटा कार गाड़ी पछपट सीटा को फोल्ड कर फ्लाट कर बहुत दूर जाए जाऊ फैमिली सहित धरी आम बहुत दूर जाता करें पछपट सीटा आम कौन करना फ्लाट करा फल जहाँ फल रातर आम शयन व्यवहार करके ये हूँ रियर बा फ्लोर फ्लाट रियर सीट अति बढ़िया टेक्नोलोजी बाहर आजिकल से हीपरी कौन अच्छी इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी सिस्टम ए साहय कौन हो कंप्यूटर साहय कौन करना गाड़ी को नियंत्रण कर इलेक्ट्रोनिक्स बीएमडब्ल्यू कार गुड़िक व्यवहार होता है यह कंप्यूटर साहय नियंत्रण करें यह पद्धति द्वारा गाड़ी नियंत्रण हेल्ले गाड़ी ब्रेक लग जाए गाड़ी नियंत्रण होगा सहित इंजिन मध्यक इंजन प्रभाव बंद कराए जदि आम जब अति स्पीड गाड़ी चलाऊ तेल अजथार जो तेल सर मझे मझे से कौन तेलटा अफ करदेव हाँ जहाँफल आम इंधन कौन हो व्यवस्था कमे जापर से डीवीडी प्लेयर अच्छी हिटेड सीट कूलर सीट अच्छी से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग एटा कौन ये साहय जो स्टीयरिंगटा अच्छी स्टीयरिंग आम एडजस्ट करा जब कह रहा मोटा लुकड़ा होती है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग सिस्टम साहय कौन कर टिल्ट साहय स्टीयरिंगटा को बढ़े पार कमे पारे टेलीस्कोपिंग साहय कौन कर बढ़े पार कमे पार ओके टेलीस्कोपिंग साहय कौन स्टीयरिंग आम ठार दूरे कि पाखक आनी पार कहते जब गोटे लोक मोटा हो तार पेट लगे स्टीयरिंग तेल आम कौन करवा स्टीयरिंग कौन पड़े फिंग कि खाली स्टीयरिंग तो करपर कि से स्टीयरिंग जो टेलीस्कोपिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग सिस्टम साहय कौन स्टीयरिंग को एडजस्ट कर पछुक नहीं पार आगे आनी पार से आम नाविगेशन सिस्टम नाविगेशन बहुत गुड़े जान बहुत सहज आम मोबाइल में नाविगेशन सिस्टम अच्छी से कार गाड़ी देख डिस्प्ले गोटे अच्छी जहाँ साहय आम गोटे प्रांतव्य स्थल को पहुँचा हेल्ले आम मन जाऊँ गोटे स्थल आम जानी ना गोटे जगह आड्रेस जानते क्या पचार भूल भाग कह आजिकल बहुत गुड़े फनी भिड़ आस पचारे सियाड़े पठाऊँ जापरून से नाविगेशन सिस्टम थे आप कौन कौन सर्च करेंगे जो गंतव्य स्थल को जोठे आपचवाक चाहते से स्थलटा को सी रास्ता आकार देखेदेव सी थी नाविगेशन सिस्टम से हीपर दस नंबर कौन अच्छी हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन कौन ना पेट्रोल आंधन आउ बैटेरी द्वारा चलती पेट्रोल कि इलेक्ट्रिक पेट्रोल और इलेक्ट्रिक साहय पावर द्वारा चलु थी हूँ हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन ओके विथ पेट्रोल चलो विथ बैटेरी द्वारा चलो ये हूँ आम हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन ओके टोयोटा पोरस प्रथम ये गाड़ीटा व्यवहार करके ये आज आज आम क्वेश्चन आंसर कार्यक्रम आज जदि ये भिडियोटी आपको भल लगी सांगसाथी मैंने तो सेयार करूँ आमती प्रकार भिडियो को देखा आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ रोचु धन्यवाद ओके ये थिला आमर आज एफ एफ फोर क्वेश्चन आंसर भावुची आपण मान समस्त को भल लगे जदि भल लगे ताले चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं अन्य सांगसाथी मान सहित सेयार करूँ जहाँफल आगामी परीक्षा गुड़ी मुझे आपण मान सहित आलोचना करी पारिबी रहुची धन्यवाद।